Scott. नमस्कार, दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने ऑपरेशन साइबर प्रहार पार्ट 2 लॉन्च किया है और इसके तहत जो कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में आपसे बात करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब कोविड फेज 2 चल रहा था तो उस समय जो स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट में साइबर प्रहार पार्ट 1 लॉन्च किया था, जो काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें 60 टीम्स दिल्ली पुलिस के अलग अलग राज्यों में गई और उन्होंने कोविड रिलेटेड फ्रॉड्स अगेंस्ट एक्शन लिया। इसी सिलसिले में इस पूरे ऑपरेशन का जो पार्ट 2 है उसको हमने लॉन्च किया है अगस्त सेकेंड हाफ में और इस बार हमने टारगेट बनाया है अपना जो साइबर क्राइम्स का हॉटस्पॉट है इस कंट्री का, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है तो जामताड़ा बेल्ट है। जामताड़ा बेल्ट मतलब जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, जमुई, ये जो बेल्ट है पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का वो पूरा क्षेत्र जहाँ से एक बड़ा हॉटस्पॉट काफ़ी दिनों से चल रहा है उसको हमने टारगेट किया है। लगातार वहाँ पे एक्शन लिए जाते रहे हैं लेकिन इस बार हमने कंसेंट्रेटेड वे में बड़े पैमाने पर एक्शन लिया और वहाँ से हमने 14 लोगों को जो कि इस तरह के फ्रॉड का एक बहुत बड़ा गैंग वहाँ चला रहे थे उनको अरेस्ट किया है। जिस तरीके का फ्रॉड इस बेल्ट से चल रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये प्राइमरीली UPI पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं जिसमें विक्टिम को किसी तरीके से इंड्यूस करके और अपने आप को इम्पर्सनेट करके या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोक्स करते हैं कि वो UPI पेमेंट कर दें। इसके लिए वो KYC अपडेशन के नाम पे या फिर आपका सिम ब्लॉक कराने या बैंक अकाउंट ब्लॉक कराने के नाम पे फ्रॉड्स करते हैं और इसमें जैसा हमने नोटिस किया है रिसेंट पास में कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले वो रैंडमली कॉल करते थे और बैंक ऑफिशियल बन के कार्ड डिटेल्स मांगते थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ा दिया है। अब वो टेम्प्रोरी साइट्स बना रहे हैं, शॉर्ट URLs के थ्रू उसको पुश कर रहे हैं, बल्क मैसेजेस भेज रहे हैं जिसके लिए सिम बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक्स के ऐप्स बना दे रहे हैं जिसके थ्रू वो लोगों के क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कर रहे हैं। तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में फ्रॉड को कमिट किया जा रहा है, उसी के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। इन 14 लोगों से हमने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 9 राज्यों की 36 केसेस जो हैं उनको हमने सिलिंग किया और उनको वर्कआउट किया है। इन 36 केसेस में तकरीबन इन्होंने 1.2 करोड़ अमाउंट जो है चीट किया है और ये जो 14 लोग हैं इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि डेली ये 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे या उनके पास कॉल्स आती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्होंने ट्रैप दे रखा है ऑनलाइन स्पेस में अपना बिछा रखा है उसके तहत और उसमें से 4 से 5 कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट होती थी टू फ्रॉड, मतलब 4 से 5 विक्टिम्स बनाते थे ये डेली बेसिस पे और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए ये लोगों से चीट करते थे। इसमें जो 2 मास्टरमाइंड्स उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, एक है अल्ताफ अंसारी जिसको कि ये लोग रॉकस्टार के नाम से भी बोलते हैं। उसका कारण ये है कि ये लीड्स द गैंग और एक बहुत ही कम उम्र में इसने अपना खुद का बड़ा गैंग बना लिया है और बहुत ही इफेक्टिवली उसने कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशंस को वहाँ पे कर दिया है। अल्ताफ अंसारी जो है गैंग का सरगना है वो अपने अंडर ढेर सारे कॉलर्स को रखता है, वो जहाँ से ऑपरेट करता है वहाँ पे वो लोगों को रखता है ताकि वॉन्टेज पॉइंट्स पर रहें जहाँ से वो देख सके कोई अगर पुलिस पार्टी आ रही है तो उसको पहले से कोल वॉल कर सके इस तरीके से और अलग अलग स्पेशलाइज एक्टिविटीज लोगों को उसने दे रखी है। जैसे एक व्यक्ति है जो बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है, वॉलेट्स प्रोवाइड करता है, एक व्यक्ति है जो उसके लिए कैंपेन्स रन करता है ऑनलाइन स्पेस में जहाँ पे फर्जी वेबसाइट बना के काम करते हैं, एक बड़ा गैंग लीडर हमने इसमें अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, गुलाम अंसारी। गुलाम जो है वो उसकी स्पेशलाइजेशन है फेक वेबसाइट्स बनाना और उनको गूगल एड्स के माध्यम से पुश करना, लेकिन कोई भी वेबसाइट बनती है उस पर ट्रैफिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं लेकिन जब तक उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक उस वेबसाइट का कोई रिलेवेंस नहीं,
उस ट्रैफिक को लाने के लिए ये लोग एड कैंपेन चलाते हैं, जिसपे डेली बेसिस पे अल्ताफ जो है वो गुलाम को 40 से 50 हज़ार रुपए देता था सिर्फ एड कैंपेन चलाने के लिए, ताकि जब भी कोई सर्च करे किसी भी कस्टमर केयर का नंबर या किसी बैंक के बारे में, उसको इनकी फेक वेबसाइट दिखे जिस पे वो जाए और वहाँ दिए गए नंबर पे कॉल करे। और ये नंबर इन फ्रॉडस्टर्स के होते थे, जब इन पे कॉल आती थी तो फिर अल्ताफ इनको डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने कॉलर्स में और इस तरीके से वो लोग अटेम्प्ट करते थे चीट। तो ये बड़ा गैंग हमने पकड़ा है। इनके पास से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्ताफ है, उसने एक बहुत बड़ा घर वहाँ बना रखा है, जो आस पास की लोकेलिटी है उसको देख लगता है कि इट इज़ अ टिपिकल जो टाउन है या सेमी रूरल सेमी अर्बन काइंड ऑफ सेटलमेंट रोड साइड, उसमें आपको एक अलग से अल्ताफ का बड़ा घर दिखता है। इसके अलावा उसने 2 गाड़ियाँ खरीद रखी हैं। इनफैक्ट हमारी टीम जब उसको पकड़ रही थी तो उसको थोड़ी खबर लग गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था टूवर्ड्स बंगाल, और हमने उसको 100 किलोमीटर की चेस वे पकड़ा। उसकी खुद की जो स्कॉर्पियो कार जो उसने अपनी रिसेंटली खरीदी उसी में भाग रहा था। हमारी टीम ने उसको चेस करके अप्रिहेंड किया। जो दूसरा एक ट्रेंड हमने नोटिस किया वहाँ पे, इन एडिशन टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि ये लोग अब वहाँ से छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्पर्स कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि इस पर्टिकुलर 14 लोगों में हमने पाया कि 4 लोग मूव करके दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली के बगल में लोनी है गाजियाबाद में, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और वहाँ से ऑपरेट करने का जो कारण उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आके उनको बेहतर जो टेक सेवी लोग हैं उनकी असिस्टेंस मिल पाएगी, ताकि अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा वो जो अर्बन लैंडस्केप है, क्योंकि वहाँ पर उनको डीले पर जाके जंगल के बीच में जाके काम करना पड़ता है, यहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्र में बैठ के वो अपना ऑपरेशन चला सकते हैं, इस लिहाज से वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप जो हमने NCR में धोनी में पकड़ा, इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इस तरह के ग्रुप अलग अलग क्षेत्र में चल रहे हैं, लखनऊ में बताया उन्होंने चल रहे हैं, कलकत्ता में चल रहे हैं, और भी जगहों में चल रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड नोटिस किया गया है, आगे हम इस पर इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो UPI रिलेटेड फ्रॉड्स हैं उसमें जो बेसिक सावधानी हमको बरतनी है वो ये है कि कभी भी UPI जो है उसके माध्यम से जब आप अपना UPI पिन डालते हैं तो आपके डालने से पेमेंट सामने वाली पार्टी हो जाती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आप किसी भी लिंक के द्वारा दिए गए किसी ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल ना करें। इस तरह के ऐप्स मोस्ट ऑफ द केसेस में मलेशियस होते हैं, वो आपके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप उसमें जो डेटा डालेंगे, खासकर जो अपने नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स डालेंगे या अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, वो व्हाट्सएप के पास जाती है और वो उससे चीटिंग को अंजाम देते हैं। इसके अलावा एक जो कॉमन MOU यूज़ करते हैं उसमें ये रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराते हैं। इस ऐप के माध्यम से बेसिकली आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो मिरर हो जाता है और उनको सब कुछ दिखता है। अभी रिसेंटली हमने इसके लिए इनफैक्ट गूगल को भी लिखा है, क्योंकि जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे KYC डालते हैं आपको ये रिमोट एक्सेस ऐप दिखने लगते हैं। एक सर्च का एक काइंड ऑफ सजेशन जो देता है गूगल वो इन ऐप्स का देता है। तो लोगों को ये ऐसा एक भ्रम हो जाता है कि शायद KYC के लिए ये ऐप बने हुए, जबकि ये ऐप रिमोट एक्सेस ऐप्स है। इसके बारे में हमने गूगल को भी लिखा है। तो इस तरीके से हमने कंसर्टेड एक्शन लेते हुए न सिर्फ इन 14 लोगों का रेस्ट किया है, बल्कि हमने इकोसिस्टम में और जो डेफिशिएंसी हमने नोटिस की है उसको भी प्लग करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने इनसे जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको टाइमली फ्रीज करना, जो फ़ोन नंबर भी यूज़ कर रहे हैं करीब 400 के आसपास फ़ोन नंबर हमने आइडेंटिफाई की जो यूज़ कर रहे थे उनको तुरंत ब्लॉक कराना, इस तरह की सारी एक्टिविटीज हमने इस मुहिम में चलाई है। और ये हमारा इस पर्टिकुलर Part 2 ऑपरेशन का की पहली मुहिम थी, इसके आगे भी हम इसमें कंसर्टेड एक्शन लेते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से जो क्राइम हो रहा है उसको कम करना, उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंट एक्शन हुआ है, हमने एक्शन लिया, इसके साथ साथ वहाँ की देवघर की पुलिस ने भी एक्शन लिया, और हमने जो ट्रेंड नोटिस किया है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, 2 वीक का कंपैरिजन हम देखें 23rd से लेके 30th तक का जो वीक है ये और उससे पिछला वाला वीक, वी आर फाइंडिंग 29% डिक्लाइन इन फ्रॉड्स जो ये इस MO से हो रहा है। इस MO से होने वाले फ्रॉड में 29% का डिक्लाइन नोटिस किया गया है। तो डेफिनेटली एक्शन से इफेक्ट पड़ रहा है।
और एक कंसर्टेड एक्शन दिया जा रहा है. That is all that I wanted to say. सर ये किस किस तरह से चीटिंग करते हैं, जैसे आपने की यूपीआई लिंक वाला बताया, तो इनकी जो अलग अलग जो मॉडल स्टूडेंट भी थी वो क्या क्या थी, किस तरीके से चीटिंग करते हैं? देखिए सबसे कॉमन जो एमओ यूज करते हैं ये मॉडल स्टूडेंट है कि आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, इसमें ये दिया होगा कि आपका सिम या आपका अकाउंट कुछ भी वो बैंक का अंदर लिखा होता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, और उसमें एक नंबर दिया होगा जिसपे आपको कॉल करने के लिए कहा जाएगा. तो आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, ये कॉल लैंड करती है इन गैंग के जो कॉलर्स हैं, जो कॉल रिसीव करते हैं और जो फिर अटेंड करते हैं उनके पास. जो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं वो है गूगल एड्स के थ्रू अपनी पेड वेबसाइट को पुश करना. तो जब भी आप अगर कोई भी रिफंड आपको चाहिए, सपोज आपने एक एयरलाइन टिकट खरीदा और आपको टिकट कैंसिल कराना है लेकिन रिफंड आपके पास नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, जो लिस्टिंग होती है उसमें कई बार इनकी जो फेक साइट्स है, क्योंकि वो एड्स के थ्रू इतना हेवली पुश किया जा रहा है, इनकी फेक साइट्स आ जाती हैं और फिर उसमें जो दिया हुआ नंबर रहता है उस पर लोग इस भ्रम में कॉल करते हैं कि ये कस्टमर केयर है, वो कॉल इनके पास लैंड करती है और फिर ये आपको गाइड करते हैं. आपको रिफंड दिलाने के नाम में ये रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड कराते हैं और अल्टीमेटली आपका जो यूपीआई वॉलेट है उसको हाईजैक करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल देते हैं. दिस इज द एमओ दैट वी यूज. इसके अलावा जो रिसेंट हमने इस इम्पैक्ट के 14 लोगों में जो 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं जमुई से बिहार में, इन्होंने जो मेवात क्षेत्र का जो एमओ है इसमें कि पेमेंट का लिंक भेज के फ्रॉड किया जाता है, क्यूआर कोड भेज के फ्रॉड किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इस योजना में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको 5000 रुपीज का बेनिफिट दिया जाता है और ये आंगनबाड़ी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है. इन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को कॉल किया इन्वेस्टिगेटिंग एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बनके, और उनसे उस क्षेत्र के सारे लैक्टेटिंग मदर्स थी और प्रेग्नेंट वुमेन थी उनकी लिस्ट ले ली नंबर्स के साथ, फिर उनको कॉल किया ये कहते हुए कि ये 5000 रुपये हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं. उन्होंने बेसिकली उनको यूपीआई लिंक भेजा जिसके माध्यम से उसके अकाउंट में जितने पैसे थे किसी के 30-40,000 निकल गए. ये फ्रॉड जो कमिट कर रहे थे ये एक अलग तरीके का एमओ उन्होंने नोटिस किया है जो इस क्षेत्र में पहले नहीं होता था. इस तरह का एमओ जो दूसरा हॉटस्पॉट है मेवात क्षेत्र वहाँ देखा गया है. वी कैन सी दैट दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, डिस्पर्स कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में. एक ही वर्किंग ट्रेंड नोटिस किया है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं. सर छोटा नागपुर का एरिया इज ऑल्सो एक्सल इंटरेस्टेड एरिया, इज इट समथिंग टू डू विद द रिजल्ट ऑफ द मनी बीइंग टेकन और फॉर सम नक्सलाइट मूवमेंट, इससे कोई इनका जुड़ाव है और कुड यू लोकेट ऑफ वेयर दे आर एक्चुअली यूजिंग इट, इट एंड्स विद देम विद अ मास्टर चैप और इट्स बीन गो समवेयर एल्स. द ट्रेंड दैट वी नोटिस is that आप जब सेटलमेंट्स में जाएंगे जिसमें दे आर रोड साइड सेटलमेंट्स, वहाँ पे जो लोग भी इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं आइडेंटिफाइड फ्रॉड, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड मनी का इस्तेमाल करके जो सबसे ज़्यादा जहाँ इन्वेस्ट किया है वो है प्रॉपर्टी में और घर बनाने में. इनका घर आपको अलग से दिख जाएगा, अतः आपका घर जो है पिक्चर विद यू इट कैन बी सीन फ्रॉम फार, इट स्टैंड्स आउट. तो सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी में जितना लगाया, घर बनाने में लगाया है. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऑपरेशंस में स्पेशलाइज रोल्स हैं, जैसे गूगल एड्स का कैंपेन चला, इसके लिए अगर वो डेली 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस मनी इज गोइंग देयर, दिस इज ऑलरेडी प्रोडक्ट. फिर जो इनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ अल्टीमेटली मनी को साइबर आउट करके ले जाते हैं और वहाँ से एटीएम से विड्रॉ करते हैं, उन अकाउंट्स को भी ये सोर्स करते हैं उसके. So the money gets distributed in several hands or primarily they are using it to buy land, to make property, to make houses, but it's a prestige issue for them. Sir, kitni website unhone ab tak banayi hai jo fake hai aur kitna logon ko unhone ab tak chura raha hai ya kitne chura. Dekhiye, jaisa maine aapko bataya ki daily is particular gang members ki baat kare to daily ke 4-5 logon ko victim bana dete hain aur meri 50 ke aaspas calls karte hain. और जो साइट्स बनाने की बात है तो ये जो साइट्स है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कई ऐसे ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल हैं आजकल
जिसके माध्यम से आप एक टेम्पररी साइट बना सकते हैं, एक ऐसी साइट जिस पे आपका एक पेज है और आप उसको पुश कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उन लोगों को जो इसका जेन्युइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे आप अपना कोई छोटा बिजनेस करते हैं, आप साइट के माध्यम से उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसका लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी ग्रुप में भेज सकते हैं ताकि लोग आपकी साइट पर आएँ और आपका प्रोडक्ट देखें। इसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं, उस साइट पर ये अपना इंपर्सनेट करते हुए किसी बैंक को, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को या किसी ई कॉमर्स साइट को इंपर्सनेट करते हुए उसका कस्टमर केयर नंबर उसमें डाल देते हैं। ये साइट्स इतनी आसान है बनाना, एक बार आप सीख जाएं, इट हार्डली टेक्स 10-15 मिनट टू मेक दिस साइट। ये टेम्पररी साइट्स होती हैं, ऐसी टेम्पररी होस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसे एनजी रॉक। कई ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं जिसमें एनजी रॉक पर होस्टेड टेम्पररी डोमेन्स, इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको रिमूव करने के लिए हमें एनजी रॉक से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है जो कि बाहर की कंपनी है, इट टेक्स टाइम। ये चैलेंजेस। इसके अलावा हमारे केस में एक ऐप है बिकाई, उसका इस्तेमाल किया गया है वेबसाइट बनाने के लिए, जो गुलाम अंसारी है ये स्पेशलाइजेस इन दैट ऐप, वो इस ऐप पे साइट बना के इनको देता था और उसको वो फर्दर एड्स के माध्यम से, ऑनलाइन एड्स के माध्यम से पुश करता था। तो कितनी साइट बनाई है ये फिगर नहीं है, क्योंकि ये उस तरह की साइट नहीं है जैसा हम ट्रेडिशनली समझते हैं, एक स्टैंडर्ड साइट है जिसका आप डोमेन आपने परचेज किया, फिर आपने उसको भी होस्ट किया, उस तरह की साइट नहीं है। सो देयर आर टू थिंग्स, एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ द पीपल, आर दे वेल एजुकेटेड और नो टेक सेवी, नो दे आर ऑल, दे आर टेक सेवी, बट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन डिडंट स्टार्ट, ज्यादातर जो है वो 8th, 10th, 12th पास है, कुछ जो है जो अभी ग्रेजुएशन उन्होंने स्टार्ट की है। So when we are using FASTag and the Digital India, so we are asked to download Paytm and PhonePay. So in my mobile, if I am downloading that, so it is taking up some accounts, my bank accounts, which are dormant also. So are these also people able to get into those PhonePay apps and all? And even with ICICI Bank, a lot of people in the credit card system feel that people who are working in the back office with ICICI Bank, so they, share some with some money, they share those, our details to them. So we have not come across anything of that sort. And I'd like to tell you that the LinkedIn disclosure se nikal ke baat aayi, that out of 45-50 calls that they make, they end up cheating only 4-5. So there are 40 people who actually don't get cheated, despite, getting into the trap, the net that they have laid wide open on online space, उसमें फंसते तो हैं लेकिन उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि they realize that they are being trapped, going to be victim of fraud. So awareness helps. और you see, this is a digital payment method. Ultimately आपकी जो identity है वो digitally ही verify होती है. If you allow anybody to make you get tricked into sharing your credentials with that person, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो आपकी आइडेंटिटी पे चल रहा है, आपकी OTP पे चल रहा है, आपकी UPI पिन पे चल रहा है, आप डाली उसको चाहे कोई ऑर्डर है, इफेक्टिवली द सिस्टम इज सिक्योर, इट्स ओनली थ्रू व्हाट वी कॉल सोशल इंजीनियरिंग, हैकिंग ऑफ योर माइंड, दैट दे आर एबल टू गेट इनटू इट एंड ट्रांसफर फंड्स। सो इज इट द ईमेल प्रोसेस इज ऑल्सो हैपनिंग व्हेन पीपल आर गेटिंग ईमेल्स, द अर्लियर वाज दैट नाइजीरियन ईमेल, And now, recently, since I cover some artist painters, so I got a mail that they want a painting to be made just last week. I was trying to delete. Then they sent a mail that we want this painting to be given to a wedding anniversary. So I shared this in a group of artists. So somebody called me from Bombay and she told me that she had similar email from artist in somewhere in London, I want this. Then they say that I will ask them advance money, the artist would ask them. At that point of time, then this UPI will come in. So are you also getting those sort of feelings? There are certain, what you can call the cardinal rules. If you follow those rules, the likelihood of us getting cheated is, it will decline substantially. Rule number one is that, as a father, there are no freelancers. So you will never get anything which you actually don't have worked hard for. Right. So advance payment is one. So advance payment, either you are a professional, you are a painter, you are a photographer, anything. If anybody is offering you advance payment, without
any pitch for your sale, there is something suspicious. You may be a landlord who is offering his flat for rent. If somebody is, you know, a friend trying to pay you advance along with security and everything without you pitching your flat for sale, there is something suspicious in that. Similarly, the other cardinal principle is that if somebody is threatening you of action, then there is something suspicious. Because any genuine organization, be it a bank or a telecom operator or a government entity, will not threaten you. It will only talk about the rules and ask you to comply. It will never threaten you with immediate action. Right. That is not the way, you know, the procedure allows us to operate. Right. So if somebody is threatening with immediate blocking or penalty, this, that, whatever, there is something suspicious. So if you follow these two rules, you will be secure from most of the problems. Right. Yeah, that comes down the road. Altaf? Comes down the road. Altaf ne bataya ki pichle 3 saal se kar raha hai. Kitne rupye mein hota hai? Ab aap andaaza laga lijiye. But wo to is ne naughty rakhte hain. Lekin uska jo ghar hai, uski kimat kam se kam 2 crore ki. Gaadi jo usne abhi khareedi hai, wo 20 lakh se zyada ki hai. We have put an embargo on that house, and we will be definitely taking the assistance of agencies which have the power to make attachments, and that power rests with certain specialized agencies. We will be. There is a proper channel through which we will be definitely. Sir, we don't have our team members, Aditya Bhattam, he is ACP, CyberCell, CyFat. He in fact led the operation. He stationed himself there in the Jamtara region for how many days? 5 days. So 5 days he was there. He was part of the chase that happened across 3 districts where this staff was running away in his new Scorpio. And along with Adit, we have Mr. Vijender, SI of Desh, and SI Sunil. They were part of the team. Definitely the team was bigger. We have other people. They led the team.